हर बार तिरंगा अभियान को लेकर लोग उत्साहित हैं, कई मोटरसाइकिल से रैली निकाल रहे हैं कहीं किसी और तरीके से। लेकिन उप जिला बिलावर में एक अनोखे तरीके से पदयात्रा निकाली गई, जो 75 मीटर तिरंगा लेकर रामकोट से बिलावर तक पैदल यात्रा निकाली गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा ने यह अनोखा कदम उठाया। इस रैली में 75 सेंटीमीटर तिरंगा जो लगभग 30 लोग उठाकर चल रहे हैं। इस रैली में कठुआ के पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया, भाजपा नेता देवेंद्र राणा और कई अन्य हस्तियां शामिल रही। एंजू चंदेल की रिपोर्ट। ये इस रैली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सुबह रामकोट से निकली हुई और अभी फिंतर चौक में इनका स्वागत करने के लिए दोनों तरफ लोग खड़े हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए कि जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है कि लोग कैसे स्वयं चल के 40 किलोमीटर दूर से चल के एक 75 मीटर लंबा 248 फुट के आसपास ये तिरंगा बनता है वो लग के फिंतर आ रहे हैं। ये एक बहुत ही उत्साहजनक बात है। आज इस रैली में लग रहा है कि जो रामकोट से लोग चले हुए वो बराबर जो है वो बिलावर तक जाएंगे। ये लोगों का उत्साह बता रहा है कि उनमें कितनी क्षमता चलने की, कितनी उसमें ताकत है तिरंगे को उठाने की। ये लोगों का उत्साह बता रहा है और आप जैसे कि देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं। फिंतर चौक में स्वागत के लिए खड़े हैं, यहाँ फिंतर चौक में सैकड़ों लोग खड़े हैं। इस भव्य तिरंगे को देखने का भी उत्साह है सबका। धन्यवाद जी। ये एक अनूठा प्रयास जो है सतीश शर्मा द्वारा किया गया है। ये संघर्षों की लड़ाई उन्होंने पहले से भी लड़ी है। अभी तो चलो पार्टी पावर में भी है पर ये संघर्ष है, संघर्ष चलता रहेगा, संघर्ष हमेशा ही रहेगा। ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही चलता रहेगा। थैंक यू भाई सर। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।